हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी को पीएम मोदी ने दी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात। चित्रकूट से दिल्ली पहुंचे अब मात्र 6 घंटे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्रकूट और इटावा को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश के 6ठे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की नींव प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में रखी गई थी। जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य में 14,850 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 4 लेन के साथ ही परिवहन सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी 3 से 4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे कहीं ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि ये बुंदेलखंड के औद्योगिक प्रगति को गति देगा। उन्होंने कहा कि पूरे यूपी की पहचान बदल रही है। गौरतलब हो कि आने वाले समय में एक्सप्रेसवे को 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। चित्रकूट और इटावा के साथ ही एक्सप्रेसवे 7 जिलों बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और औरैया से होकर गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले के भरतकूप के पास से शुरू होता है और इटावा जिले के कुदेरगल गांव के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ मिल जाता है। इसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा के 7 जिले शामिल है। सड़क में कई नदियों पर क्रॉसिंग है, बागान, केन, श्यामा, चंदावल, यमुना, बेतवा और सेंगर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राज्य से कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले प्रमुख लिंक में से एक है। 4 लेन एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली और चित्रकूट के बीच का सफर, जिसमें कि 9 से 10 घंटे लगते थे, वो करीब 6 घंटे में पूरा किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आगामी उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा परियोजना की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। बांदा और जालौन जिलों में औद्योगिक कॉरिडोर पर निर्माण भी शुरू हो गया है। राज्य के पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड हिस्सों में 20,000 करोड़ रुपए की रक्षा गलियारा परियोजना के 5,071 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र शामिल है। अधिकारियों द्वारा परियोजना की कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। हालांकि योगी आदित्यनाथ प्रशासन ने ई टेंडरिंग चुनकर करीब 1,132 करोड़ रुपए की बचत की है। जागरूक टीवी के लिए यूपी से खास रिपोर्ट।